राजनीति विज्ञान बीए भाग प्रथम प्रथम प्रश्न पत्र का आज का हमारा टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद। मित्रों, 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड ईस्टन के द्वारा जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से थे, उन्होंने व्यवहारवादी स्थिति पर प्रबल आक्रमण किया। व्यवहारवादी जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया था, यह मानते थे कि उनके द्वारा नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया गया था, जबकि वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों और अधिसिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे। उनकी अपनी पाश्चात्य दुनिया को तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा था और वे स्वयं उनके संबंध में सर्वथा अनजान थे। वे तो प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के शानदार प्रांगणों में अपने वातानुकूलित कक्षों एवं पुस्तकालयों में बैठ करके स्थिरता, स्वामित्व, संतुलन, संरक्षण, प्रतिमान आदि की तकनीकी आज का हमारा राजनीति विज्ञान का बीए भाग प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र और उसका टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद। मित्रों, 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड ईस्टन के द्वारा जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से थे, व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया गया। व्यवहारवादी जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया था, ये मानते हैं कि उनके द्वारा नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया गया था, जबकि वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों और अधिसिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे। उनकी अपनी पाश्चात्य दुनिया तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला कर रही थी और वे स्वयं उनके संबंध में सर्वथा अनजान थे। वे तो प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के शानदार प्रांगणों में अपने वातानुकूलित कक्षों एवं पुस्तकालयों में बैठ करके स्थिरता, स्वामित्व, संतुलन, संरक्षण, प्रतिमान आदि की तकनीकी समस्याओं और मॉडल निर्माण की प्रवृत्तियों में उलझे हुए थे और विशेषीकृत तकनीकों के आधार पर कभी कभी क्षेत्रानुसंधान भी वो कर लिया करते थे। बाहर का समाज विघटन और टूट फूट की स्थितियों में से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था, साथ ही आणविक अस्त्रों का आतंक था, गृह युद्ध चल रहे थे, तानाशाही शासनों के अभ्युदय की प्रवृत्ति हो रही थी, बढ़ते हुए सामाजिक विभेद आदि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी जिनके संबंध में व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर व्यवहारवादियों का प्रश्न था कि उस शोध अनुसंधान की उपयोगिता क्या थी जिसने समाज और राज्य व्यवस्था के इन तीव्र रोगों, संकटों एवं समस्याओं के निदान की ओर ध्यान नहीं दिया था। अब हम पढ़ते हैं उत्तर व्यवहारवाद से अभिप्राय क्या है, उत्तर व्यवहारवादियों ने उत्तर व्यवहारवाद का क्या अभिप्राय, क्या अर्थ बताया है। व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में प्रामाणिक अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता में अंतर्निहित एवं प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तथ्य, मूल्य, वैल्यूज के अध्ययन को उचित स्थान नहीं दिया गया। विश्लेषण की तकनीक को विश्लेषण वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक विश्लेषण को तथाकथित वैज्ञानिकता का एक निश्चित स्तर तो प्राप्त हो गया, लेकिन उसके निष्कर्षों ने औचित्य एवं शाश्वतता का अभाव बना रहा। औचित्य यानी रेलेवेंस जो है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को, वैल्यूज को समाविष्ट कर राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्ण एवं शाश्वतता यानी कि प्रासंगिकता प्रदान करने के पक्षपाती हैं। उत्तर व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में वैज्ञानिकता के तत्व को शिथिल करना नहीं चाहता, बल्कि वह वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को ज्यादा विस्तृत करना चाहता है। इस क्रम में कहें तो इस अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैचारिक क्रांति हम कह सकते हैं। ये वैचारिक क्रांति कही जा सकती है क्योंकि यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य यानी फैक्ट्स एवं मूल्य यानी वैल्यूज
दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया गया है। यानी उत्तर व्यवहारवाद में तथ्यों और मूल्यों पर ज्यादा जोर दिया गया है। डेविड ईस्टन के शब्दों में, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करते हैं जिसके द्वारा राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया है। ईस्टन ने यह भी स्पष्ट कहा है कि यह विरोध परंपरावादियों द्वारा किए गए इसी प्रकार के विरोध से सर्वथा भिन्न है। परंपरावादी वैज्ञानिक पद्धति का विरोध करते हैं क्योंकि वे प्रायः मनुष्य के व्यवहार में परीक्षण योग्य समानताएं खोजने की संभावनाओं को ही अस्वीकार करते हैं। उनका मत है कि मानवीय और सामाजिक व्यवहार अद्वितीय घटनाओं से भरा पड़ा है, उसका सामान्यीकरण नहीं हो सकता। जबकि उत्तर व्यवहारवाद के समर्थक इस परंपरावादी तर्क से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि मानव एवं सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन संभव ही नहीं अपितु आवश्यक एवं उचित भी है। उत्तर व्यवहारवाद के समर्थकों का केवल तर्क यह है कि शोध किसी भी पद्धति से क्यों न किया गया हो, उसे प्रासंगिकता की कसौटी पर खड़ा उतरना चाहिए। इस सिद्धांत को डेविड ईस्टन प्रासंगिकता का सिद्धांत अथवा प्रासंगिकता का धर्म कहकर पुकारते हैं। प्रासंगिकता का अभाव व्यवहारवादी शोध में तो लगभग है ही, परंपरावादी शोध में भी संभव है। अतः एक अर्थ हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद उन सभी परंपरावादी और व्यवहारवादी शोधों की आलोचना है जो प्रासंगिक नहीं है। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला चरण, एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा संकेत है। इसके दो नारे हैं, एक कर्म यानी एक्शन और दूसरा है प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस। यह व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज तथा राज व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य है सामाजिक शोध समाज की अवधारणा और आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। यह राजवैज्ञानिकों के मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन कराने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राज व्यवस्थाओं की रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है, उन्हें मानव मूल्यों की यथार्थ रक्षा करने की ओर प्रवृत्त करता है। ये जो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति हुई है, अब हम पढ़ते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्यों हुई या उसका कारण क्या है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के कारणों में है, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। डेविड ईस्टन ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते हैं, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। अतः उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है, यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण अनुभव करने लगे। इसका दूसरा कारण है, ऐसा माना गया है कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, वो बदलती रहती है, अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। अतः व्यवहारवाद द्वारा किया गया यह विभाजन कृत्रिम है कि व्यक्ति का औपचारिक व्यवहार एवं उसकी अचेतन की आकांक्षाएं अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। तीसरा इसका कारण है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का, उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के असंतोष का परिणाम है। यानी व्यवहारवादी तरीके से जो भी शोध कार्य किया जा रहा था उसके असंतोष का ये परिणाम है। व्यवहारवादी शोध में क्या हो रहा था, उसमें तथ्य मूल विच्छिन्नता पर बल दिया गया, यानी तथ्य और मूल्यों को दोनों को अलग रखा गया। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया,
तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया, क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तु स्थिति का यथार्थ अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन की तरह आदर्श स्थिति का नहीं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक है, अतः इन दोनों में भेद करना कृत्रिम है, यानी तथ्य और मूल्यों में अंतर भेद नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवंत होना चाहिए, इसलिए मूल्यों को नकारा नहीं जा सकता। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का चौथा कारण और अंतिम कारण इस प्रकार है। व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज व्यवस्थाएं और विश्व अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गए, जैसे कि आणविक युद्ध का भय, अमेरिका में गृह संकट, काले और गोरे लोगों का जो विभेद था वो, इसी तरह तानाशाही शासन की बढ़ती हुई संभावनाएं, साथ ही वियतनाम में अघोषित जो युद्ध था और पूरी दुनिया में जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा था। किंतु राजनीति के विशुद्ध विज्ञान बनाने की अभिलाषा में व्यवहारवादियों को जो प्रश्न कुरेद रहा था वह यह था कि उच्च तकनीकी पर्याप्तता और परिष्कृत शोध उपकरणों के प्रयोग की उपयोगिता क्या थी, यदि राजवैज्ञानिक इस स्थिति में भी नहीं थे कि वह समकालीन सामाजिक और राजनीतिक संकटों को समझा सके, उनको सुलझा सके और उनके समाधान की दिशा में कोई योग दे सके। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के जो कारण है कि किस तरह से व्यवहारवाद क्या कर रहा था, कि व्यवहारवाद के अध्ययन का जो तरीका था, व्यवहारवादी अध्ययन जो हो रहा था उसमें तथ्यों पर ज़्यादा बल दिया जा रहा था, मूल्यों को नहीं ध्यान में लिया जा रहा था, उनमें प्रासंगिकता भी नहीं थी। इसके साथ तात्कालीन विश्व में जो समस्याएं थी, जैसे कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा था, आणविक या परमाणु युद्ध का भय चल रहा था, अमेरिका में स्वयं गृह युद्ध की संभावनाएं हो रही थी, वियतनाम में अघोषित युद्ध चल रहा था, तो दुनिया में जो भी राजनीतिक उथल पुथल हो रहा था, व्यवस्थाएं चल रही थी, उनके समाधान का व्यवहारवादी तरीके से कोई समाधान करने का प्रयास नहीं किया जा रहा था। और इस तरह से राजवैज्ञानिक जो हैं, व्यवहारवादी राजवैज्ञानिक कोई समाधान बताने की स्थिति में नहीं थे, तो स्वयं जो व्यवहारवादी थे, जैसे कि डेविड स्टर्न बहुत बड़े व्यवहारवादी थे, वो स्वयं इसके विरुद्ध हो गए और उन्होंने आगे बढ़ करके उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन का नेतृत्व किया। इस तरह से उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन, जो कि 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड स्टर्न के द्वारा जो व्यवहारवादी क्रांति के स्थिति थी उसको आगे बढ़ाते हुए तथ्य और मूल्य दोनों को समावेश करते हुए उत्तर व्यवहारवाद का एक नया नारा चलन में आया, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति हुई। और उस उत्तर व्यवहारवादी क्रांति से हम देखते हैं कि कर्म और प्रासंगिकता दोनों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और इस तरीके से अध्ययन करने पर बल दिया जाने लगा। धन्यवाद।